वेणुगोपाल जी सब यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिए ये योजना से। देश में स्पीकर सर, देश में ये कौन कर रहा है, तकरीबन 73% दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, और ये हिंदुस्तान की मेन शक्ति है, स्ट्रेंथ है। और सच्चाई है कि इनको कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इनको बिजनेस में जगह नहीं मिलती है, इनको कॉरपोरेट इंडिया में जगह नहीं मिलती है, इनको सरकारों में जगह नहीं मिलती है। ये देखिए सर, एक फोटो देखिए, एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर क्या सर? ओके, एक और फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं, एक मिनट। आपने टीवी ऑफ कर दिया सर? नो, टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया, मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर, ऑफ है सर। नो सर, दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो, प्लीज आप बैठिए, एक बार सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर, नहीं नो अपोलोइज, मैं आपको अपोलोइज के लिए दिखे रहा, आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि आप, देखे सर बंद होगी, आप सदन की मर्यादा को रहे। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो हटो देखो अभी। शिवजी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है, नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में सर, गलत तरीका है सर। सर सर सर, फोटो दिखाना गलत नहीं है सर, आपकी परमिशन लेके अभी परमिशन नहीं है आप सर, मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन, मैं समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है मान्य। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे, ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर, ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है, 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर, 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा, 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ दो हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है, मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, वो भी पीछे चल गया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने, कोई नहीं आ सकता। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है, 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है, कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख